नमस्कार बंधुओं दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है। दोस्तों आप सभी खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यही हमारी शुभकामना है। इसी शुभकामना प्रार्थना के साथ में एक बार फिर से आप सभी से मिलने के लिए फिर आई हूँ लेकर सपनों की खूबसूरत बातें। दोस्तों आप सभी को तो पता है कि जब हम लोग निद्रावस्था में होते हैं तो भाई एक नई दुनिया आती है, उसमें हम लोग कभी कुछ तो कभी कुछ देखते हैं। दोस्तों तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में इसी क्रम में कि अगर आपने सपने में कद्दू और लौकी देखा है तो उसका क्या फल हो सकता है। दोस्तों अगर आपने सपने में देखा है कद्दू और लौकी तो जानते हैं इसका क्या परिणाम आपको मिलने वाला है निकट आपके फ्यूचर में। तो दोस्तों अगर आपने कद्दू देखा है तो ये आपके शरीर में, आपके पेट में कोई बीमारी कर सकता है, ये यही संकेत दे रहा है। तो अभी आपको बहुत अच्छे से सोच समझ कर किसी चीज़ को खाना, यानी कि जितना पाया उतना खा लिया, जब पाए तब खा लिए। तो एक रूटीन अपनी लाइफ में आप बना कर रखिए और थोड़ा योग व्यायाम प्राणायाम अच्छे विचार रखिए, इससे अच्छा रहेगा और ईश्वर का नाम लेते रहिए। और आइए जानते हैं लौकी के बारे में। अगर आपने लौकी देखा है सपने में तो दोस्तों सपने शास्त्र के अनुसार ये बेहद शुभ और अच्छा सपना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लौकी देखना ये धन को दर्शाता है। जिसके जीवन में धन की बहुत कमी रही हो या बहुत आर्थिक तंगी, व्यापार में घाटा या कोई नौकरी नहीं, तो दोस्तों उसके लिए बहुत शुभ है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने भी देखा है तो ये आपको कहीं ना कहीं से ऐसा योग संयोग बनाएगा, जीवन में जल्दी ही आएगा, जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। तो ये दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, आपके जीवन की आर्थिक तंगी मिटे, हमारी भी यही शुभकामना है। तो दोस्तों ये रहा सपने में कद्दू और लौकी का देखने का शुभ शुभ पड़ा। दोस्तों आगे की वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से आऊंगी। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप भी अपने सपने का अर्थ जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर रोचक जानकारी आप तक आसानी से हम पहुंचा पाए। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।